अभी तो यहाँ कोर्ट मोड़ देगा। जैसे कि आपको जानकारी है कि अनुमंडल कार्यालय परिसर में 3 विधानसभा का नॉमिनेशन होना है, इसके अतिरिक्त समाहरणालय में 3 विधानसभा का होना है। इसके लिए 100 मीटर के दायरे में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त रणधीर वर्मा चौक पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगाया, पोस्ट ऑफिस के पास भी बैरिकेडिंग लगाया है और इलेक्शन कमीशन के निर्देश के आलोक में नोडल पुलिस ऑफिसर्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो DSP स्तर के समकक्ष के पदाधिकारी होते हैं। इसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के विधानसभा के नोडल पुलिस ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न थाना से थाना प्रभारी एवं आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसमें सर कितने जवान जो है उसमें मुस्तैद है? जवान की पर्याप्त मात्रा में जवानों की दी गई व्यवस्था, जहाँ पे नॉमिनेशन के पे जो यहाँ पे लेके आएंगे हर एक विधानसभा वार नामांकन के लिए अलग पुलिस पदाधिकारी हैं, बैरिकेडिंग पे अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी हैं और विभिन्न स्थानों पे हर एक विधानसभा के लिए अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति की। आज दो जगह में बैरिकेडिंग लगा हुआ है, एक है रणधीर वर्मा चौक पर है और उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस के पास है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आज नामांकन के शुरुआत दिन है, मतलब बहुत सारा मतलब क्राउड उधर ये नॉर्म्स के हिसाब से उधर क्राउड नहीं रहना है, इसीलिए पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है। हमको ये भी पब्लिक से यही अनुरोध है, मतलब इस चुनाव के लिए आप लोग का हमारा पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए, इसलिए इस दिन मतलब नामांकन के वो 22 to 29 इस दिन आप लोग का पूरा अनुरोध है इसको सपोर्ट करने के लिए।